अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फूड सेफ्टी के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड पे आपको नंबर भी आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आ रहा है मेरा। जी दोस्तों, आज जो कोर्स है वो फूड सेफ्टी से रिलेटेड है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। Why is food safety so important? Food safety क्यों important है? वैसे ज़हन में एक ख्याल जो आता है, पहला ख्याल तो ये आता है कि food safety शायद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेहत जो है वो ख़राब ना हो। मेन वजह तो यही हो सकती है कि सेहत ख़राब ना हो, दूसरा जो आपने मटेरियल यूज़ हुआ है किया है वो ख़राब ना हो, आपका पैसा ख़राब ना हो। तो food safety इसलिए ज़रूरी है ताकि आप उसकी वजह से बीमार ना हो। गुड फूड सेफ्टी इज एसेंशियल टू मेक श्योर वी आर नॉट हार्म्ड इन एनी वे फ्रॉम द फूड एंड ड्रिंक वी कंज्यूम। वो यही के बात कर रहा है कि फूड सेफ्टी इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि हमें वो नुकसान ना पहुंचा सके, ना खाने में और ना पीने में जो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब वो कहता है हैविंग कॉम्पिटेंट स्टाफ इज अ लीगल रिक्वायरमेंट। कॉम्पिटेंट स्टाफ आपने रखना है, हायर रखना है, क्वालिफाइड होना चाहिए, वो ट्रेंड होना चाहिए। अच्छा, कॉम्पिटेंट का मतलब ये होगा कि वो क्वालिफाइड भी होना चाहिए और ट्रेंड भी होना चाहिए, ठीक है, खाना पकाने में। तो ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है ताकि अगर आप पब्लिक प्लेस पर बना रहे हैं या आप किसी रेस्टोरेंट में बना रहे हैं या होटल में बना रहे हैं, तो ये ज़हन में रखिएगा कि वहाँ पब्लिक है, पब्लिक जो है उसका नुकसान हो सकता है अगर वो फूड सही नहीं बना या खाने में के लिए ठीक ना हुआ। फूड पॉइजनिंग कैन बी सीरियस एंड डिस्ट्रेसिंग। फूड पॉइजनिंग जो होती है जिसकी वजह से आपका हाजमा ख़राब हो जाता है, खाना जो जहरीला खाने से, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है आपकी सेहत के लिए, आपको नुकसान पहुँचा सकता है। पूर रेपुटेशन विल इफेक्ट बिजनेस। अब एक आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई भी बड़ा ब्रांड है, KFC है, मैकडोनल्ड्स है और इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर वो खाना बना रहे हैं और उनका खाना ठीक नहीं है, जैसे साल्ट एंड पेपर है या आप किसी का कह लें बंदू खान वाले, अगर उनका खाना ठीक नहीं होगा या उनका खाने में कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी जिसकी वजह से नुकसान, तो रेपुटेशन बहुत फ़र्क पड़ेगी उनकी, मीडिया भी जो इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर लोग जो सोशल मीडिया है वो इन्वॉल्वमेंट, सोशल मीडिया बहुत आजकल एक्टिव हुआ हुआ है इस इन मामलों में, तो वो नुकसान पहुंचा देगा उसकी रेपुटेशन को। ठीक हो गया। नॉन कंप्लायंसेस कुड लीड टू प्रोसिक्यूशन एंड क्लोजर बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स। अब होगा क्या, अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया फूड सेफ्टी को अपने रेस्टोरेंट में, अपने आपने अदारे में, तो क्या होगा उसका नुकसान क्या होगा कि आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, जेल हो सकती है आपको, आपका बिजनेस बंद हो सकता है। इंक्रीज्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइंस, कंपनसेशन एंड इंश्योरेंस। क्या होगा, आपको फाइनेंशियली लॉस हो जाएगा, पैसा आपका बहुत ज़ाया हो जाएगा, फाइन होगा गवर्नमेंट की तरफ से, इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज की तरफ से कंपनसेशन देना पड़ सकता है अगर किसी ने खाना खाने के बाद बीमार हो गया या नुकसान पहुंच गया, खुदा न खासा उसको कंपनसेशन देनी पड़ सकती है, और इंश्योरेंस पे आप पे करना पड़ सकता है आपको। नो वन लाइक्स बैड प्रेस। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी अपनी तशहीर नहीं चाहता, अपनी पब्लिसिटी नहीं चाहता बुरे तरीके से। अगर अगर आप देखते हैं गोरमे बेकरी में कोई चूहे वगैरह फिर रहे हैं, तो आप ये बहुत बुरा असर पड़ता है। एक्चुअली कंपनी का कोई भी कंपनी होगी या कोई भी आप रेस्टोरेंट कह लें या कोई भी आप बड़ा ब्रांड कह लें, वो उसका उसका ऑनर कभी नहीं चाहेगा कि उसके वहाँ चूहे, ये तो नीचे जो उनकी होती है मैनेजमेंट उनका कसूर है, उस बेचारे का तो कसूर, उसको पता ही कुछ नहीं होता इस बारे में, लेकिन वो चाहेगा नहीं कभी भी कि वो प्रेस में आए, उसकी तस्वीर हो या उसकी आप कह सकते हैं कि पब्लिसिटी हो रही हो बुरे तरीके से कि उसका रेस्टोरेंट ठीक नहीं है या उसकी बेकरी ठीक नहीं है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उसके लिए।
When things go wrong, कब होती है चीजें खराब? Food becomes contaminated when it contains something harmful or objectionable. वो कह रहे हैं जी फूड जो है आलूदा कब होता है? जब उसके अंदर नुकसान पहुंचाने वाली चीज या वो गैर जरूरी चीजें जो सेहत के लिए मुजर होती हैं या सेहत के लिए खराब होती हैं वो डाल दी जाती हैं, तो क्या होता है? फूड खराब हो जाता है, आलूदा हो जाता है. और जब फूड खाना आलूदा हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है? इलनेस हो जाती है, इंजरी हो जाती है, अनफिट फॉर कंजप्शन, वो खाने के काबिल. बहुत सारी मसाले ऐसी हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जो मैं दे सकता हूँ, लेकिन टाइम शॉर्ट है हमारे पास, इसको हमने लिमिटेड टाइम में ख़त्म करना चाहता हूँ मैं इसको कोर्स को. तो ये चीज़ें ऐसी होती है कि आपने कभी अखबारों में सुना होगा या कभी आपने टीवी में देखा होगा कि मिठाई खाने से लोगों की मौत वाक़ हो गई या शराब पीने से मौत वाक़ हो गई. वो क्या होता है? वो आलूदा चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो उनको नुकसान पहुंचाती है और डेथ हो जाती है. अब वो टाइप ऑफ कॉन्टेमिनेशन कौन कौन सी हैं जी? फिजिकली होती है, फिजिकली ये आपके सामने है जी. अब आपने कभी नोट किया होगा घर में भी औरतें बनाती हैं खाना हमारे, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा कोर्स है. वो जब भी बनाती हैं तो आप अक्सर नोट करेंगे घर के खाने में, वैसे होटल के खाने में बहुत कम होता है ऐसे, लेकिन घर के खाने में लाजमन ऐसे आपको अक्सर चीज़ें होती हैं कि खाने में से बाल नज़र आते हैं, बाल मिल जाते हैं, तो ये आलूदा चीज़ में कंसीडर होगी. अंगूठी बाजू का होती है, सिगरेट का कोई उसके अंदर से मिल सकती है, मक्खी तो अक्सर नज़र आ जाती है चाय वगैरह में भी और खाने में भी नज़र आ जाती है, तो ये चीज़ें हैं. और इसके अलावा सनी प्लास्ट हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई जो कि पेट में जाके बहुत नुकसान पहुँचा सकती है, जैसे कि ये आपके सामने स्क्रू वगैरह की चीज़ें हैं. तो ये क्या चीज़ें हैं? ये आपके जिस्मानी जो अंदर ऑर्गन्स हैं उनको डिस्टर्ब कर सकती हैं, बटन वगैरह भी होते हैं, ठीक है. केमिकल, केमिकल्स कौन से होते हैं? केमिकल्स की तो मैं खैर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं कि कुछ अरसा पहले एक गांव में शादी थी तो उन्होंने कोई ऑर्डर दे दिया मिठाई का, लड्डू का ऑर्डर दे दिया, लड्डू बहुत चलते हैं गाँव में. तो वो क्या हुआ कि उस और जब वो बनाया, वो जो बंदा जिस बनाता था उसका तकरीबन को 30 साल का उनका बिजनेस चल रहा था वो, तो उसने के बच्चे को कहा कि यार इस पे ना ये केमिकल पड़ा हुआ ऊपर, इसको वो अलमारी के ऊपर पड़ा हुआ, इसको ना वो लगा देना. उसने वो ऊपर से वो अलमारी से निकाल के वो लगा दिया, तो क्या हुआ कि जब वो लड्डू डिलीवर हुए तो उसमें से तकरीबन कोई 21 या 22 लोगों की डेथ हो गई और बहुत सारे उनमें से ऐसे थे 50 के राउंड अबाउट जो हॉस्पिटलाइज हो गए. अच्छा, उसमें हुआ क्या था? जब वो तफ्तीश की, जब उसको पकड़ा तो उसने कहा जी ये मेरे तो वाला साहब का भी कारोबार था, मेरा भी कारोबार है और ये हमारा कारोबार बड़ा अच्छा चलता है, मुझे समझ नहीं आया इसने क्या हुआ, इस क्यों इस तरह हो गया. तो जब बच्चे से तफ्तीश की, बच्चे की उम्र 12-13 साल थी, उसने बताया कि अलमारी के ऊपर एक केमिकल पड़ा था, मैंने उसको लगा दिया. तो उससे क्या हुआ कि वो केमिकल जब उन्होंने तफ्तीश की तो साथ ही वो केमिकल जो उसने बोला था वो केमिकल साथ पड़ा था, और उसके साथ जो था वो ये जो कीड़े मकोड़े मारने वाली की जो होती है पेस्ट कंट्रोल होती है इसके लिए एग्रीकल्चर में यूज होती है, तो वो केमिकल पड़ा होता था, उसने उन्होंने वो उसके ऊपर लगा दिया जिसकी वजह से 21 या 22 लोगों की डेथ हो गई थी मौके पे. तो ये केमिकल जो है ये बड़ा खतरनाक होता है. हमारे हमारे घर की औरतें क्या करती हैं कि 7-Up की बोतल पड़ी होती है 1.5 लीटर की या पेप्सी की पड़ी होती है, अक्सर 7-Up की स्प्राइट की बात कर लेता हूँ क्योंकि वो नज़र नहीं आता उसमें ना, तो उसमें ना वो कोई एसिड वगैरह डाल देती है. तो बच्चे हमारे जो छोटे होते हैं उनको नहीं पता होता इस चीज़ का, वो समझते हैं कि शायद पेप्सी की बोतल है या 7-Up की बोतल है या स्प्राइट की बोतल है, वो मुँह लगा लेते हैं, वो उसमें एसिड होता है और उस बच्चों का बहुत बुरा हाल हो जाता है उसकी वजह से. तो ये चीज़ों का बड़ा मद्देनजर रखना चाहिए कि खाने पीने वाली चीज़ों में केमिकल कभी नहीं रखना चाहिए. आगे चलते हैं. एलर्जेनिक, By law, all food business and food manufacturers must clear provide information about the 14 main food allergens on pre-packed and loose food. ये अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये होटल जो है रेस्टोरेंट है और जो घर का है ये सिस्टम, इसको मैं साथ ही जोड़ दूँ. अच्छा, अब जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जो रेस्टोरेंट है उनको लाजमी ये चाहिए कि 14 जो है फूड ऐसे हैं जो कि एलर्जी पैदा कर सकते हैं
उनका जिक्र लाजमी करना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं इसको, या कुछ भी ऐसे कह सकते हैं जिनकी वजह से एलर्जी होने का बहुत सारा खतरा है। और इसी तरह घर के अफराद को भी पता होना चाहिए कि किसको किस चीज़ से एलर्जी होती है, ताकि वो उस चीज़ का इस्तेमाल ना करे। कई लोगों को मिर्च खाने से ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, कईयों को नमक से होती है एलर्जी हो जाती है। तो कईयों से, अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं बताता हूँ आपको, सेलरी, अजवाइन, अजवाइन से कई लोगों को एलर्जी हो जाती है, ठीक है। सीरियल कंटेनिंग ग्लूटेन, ये ग्लूटेन होता है, अनाज के अंदर पाया जाता है ये ग्लूटेन, उससे कई लोगों को एलर्जी हो सकती है। क्रोस्टासींस, ये केकड़े वगैरह जिसे कहते हैं, एक केकड़ा भी होता है और साथ वो झींगा मछली टाइप जो होती है, ये चीजें होती हैं। एग्स खाने से, अंडे खाने से हो जाती है, मछली खाने से हो जाती है, ल्यूपिन आटा जो है उससे खाने से होती है, मिल्क से हो जाती है कई लोगों को, दूध पीने से भी होती है। और मोलोसक्स, ये जो होती है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ऐसे जो होते हैं समुद्री, जो मछली तो नहीं कर खाया कह सकते इसको आप, जो होते तो जानवर उनके अंदर, वो इस वजह से उसको एलर्जी हो सकती है। 14 चीज़ें हैं, इसका घर वालों को भी ध्यान रखना चाहिए। कईयों को फिश खाने से होती है, और फिश खा लेते हैं वो उसके, अच्छा फिश ना भी खाएं तो फिश का कोई ऐसी इस किस्म की वो चीज़ मिक्स कर देते हैं, तो उनको नहीं पता था कि इसमें फिश डली हुई है, या फिश का कोई उनका शोरबा वगैरह मिक्स कर देते हैं जिसकी वजह से एलर्जी होने का खतरा होता। तो एलर्जी की चीज़ों से बचना चाहिए। अब मस्टर्ड है, नट्स है, पीनट्स है, सीसम सीड्स है, सोया है, सल्फर डाइऑक्साइड है। मस्टर्ड का पता ही होगा आपको, नट्स जिस तरह हो गया अखरोट वगैरह हो गए, काजू बादाम वगैरह इस तरह की चीज़ें जो होगी, पीनट्स मूंगफली, और सीसम सीड्स जो होते हैं वो तिल के बीज जो होते हैं, तिल इस्तेमाल होते हैं, सोयाबीन को आप जानते ही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ये हो गया। इन चीज़ों से क्या होता है, ये एलर्जी हो सकती है, ठीक है। एलर्जी करती क्या है, एलर्जी क्या करती है, इससे ना एक बच्चों का या बड़ों का दम घुट सकता है, ठीक है। और उसके साइन सिम्टम्स क्या है, कि पता कैसे लगता है कि ये काम हो रहा है उसके साथ, वो कहता है स्वेलिंग हो जाती है किस पे, मुंह में और होंठों पे, गले में भी होती है, मुंह में भी होती है, होंठों में भी स्वेलिंग शुरू हो जाती है। सांस लेने में मुश्किल आती है, ब्रीथिंग हो जाती है डिफिकल्टी, यानी सांस लेने में बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। और अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, यानी कि वो गिरने पड़ने लग जाता है, या बेहोश होने की हालत हो जाती है। क्यों होती है उसकी, क्योंकि उसके जो सांस लेने वाला जो पाइप होता है उसको में स्वेलिंग हो चुकी है, जब स्वेलिंग हो जाती है तो सांस नहीं आता, तो दम घुटता है इसकी वजह से, एलर्जी की वजह से, ठीक। और उसके निशानात बता दिए कि स्वेलिंग वगैरह होती है, सांस लेने में मुश्किल हो जाती है, बेहोशी की हालत हो जाती है, तो ये उसकी एलर्जी की कंडीशन है। कहते हैं अगर आपको महसूस हो कि ये किसी किस्म की एलर्जी हो गई है, तो उसको फौरन एम्बुलेंस को कॉल करें और उसको हॉस्पिटल लेके जाएं, ठीक है। माइक्रोबियल, हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस, मोल्ड्स एंड जीस्ट। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया ये तो बहुत हाई है, आपको पता ही है, ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है डाइजेशन में और स्टमक में। वायरसेस भी है, ऐसे ही हैं, ठीक है, नुकसान पहुंचा सकते हैं। और खमीरे वगैरह जो होते हैं, ये जो बेकरीज में इस्तेमाल होती हैं ज़्यादा चीज़ें, इसमें की वजह से भी हो सकती है। और अक्सर आप उल्ली जिसे कहते हैं, उल्ली लगे, उल्ली के निशानात आपको नज़र आ रहे होंगे, ये भी हो जाता है, ठीक है। अब वो कहता है सोर्सेस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया के सोर्सेस कौन कौन से, किस वजह से वो बैक्टीरिया फैलता है या बनता है। रॉ फूड जो अभी कच्चा होता है, अभी बनने के बना नहीं होता, जिसमें गोश्त होता है, पोल्ट्री का चिकन वगैरह पड़ा होता है, फिश होती है, ये इस तरह की चीजें। सॉयल डर्ट एंड डस्ट, गंदगी, मिट्टी, ये चीजें जो होती है, और जब समय लें जो वेजिटेबल लेके आते हैं गंदे होते हैं उसको, अच्छा हमारे यहाँ आदत होती है सलाद की चीजें आ गई, गाजर आ गई, मूली आ गई, हमने धोना नहीं है उसको, वैसे खा लेना है, फिर कहना है जी मेरा मैदा खराब हो गया, या मेरा स्टमक में प्रॉब्लम आ गई, इन्फेक्शन हो गई, वो इसी वजह से होती है क्योंकि
बहुत सारे केमिकल्स लगे होते हैं और हमें पता नहीं होता, और बैक्टीरियाज भी होते हैं क्योंकि जमीन में तो बहुत ज्यादा होते हैं बैक्टीरियाज, हमें पता नहीं होता, तो वो उस वजह से ये काफी प्रॉब्लम हो जाती है। पेस्ट एंड डोमेस्टिक पेट्स। अब पेस्ट तो वो होते हैं जैसे मक्खी हो गई और कॉकरोच हो गया, चूहे हो गए, और डोमेस्टिक पेट्स कौन से होंगे, कुत्ता बिल्ली इस तरह की चीजें जो होती है, डॉग वगैरह रखे होते हैं उन्होंने लोगों ने, और कैट्स रखी होती हैं, ये चीजें जो होती हैं। ह्यूमंस यानी अपना जो है वो उसकी भी बता देता हूँ, जो कि खाना पकाने वाला या नहीं भी खाना पकाने वाला जो भी उधर होता है रेस्टोरेंट वगैरह में या घर में, तो उसमें हाथ वगैरह की वजह से भी हो सकता है, गंदे हाथ वो अगर लगा दिए आपने खाने को तो खराब हो जाएंगे। हेयर बाल जैसे कि बताया था आपको पिक्चर में, तो उसकी वजह से भी नोज एंड थ्रोट, अगर आप खांसी कर रहे हैं या छींके मारी जा रहे हैं खाने पे तो काम खराब हो जाएगा। और इन्फेक्टेड कट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको शायद पता है या नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो के अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं और जो अच्छी कंट्रीज हैं, वो कुक का, और कुक का नहीं बल्कि बाकी जो वेटर्स वगैरह हैं, इनका हर 6 महीने बाद 6 मंथ बाद मेडिकल टेस्ट करवाती है। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, और हेपेटाइटिस अल्लाह माफ़ करे बी सी के मरीज जो हैं, ए बी सी के मरीज जो हैं, वो वैसे घूम फिर होते हैं, तो ये जो है इन्फेक्टेड कट्स जो हैं ये उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फूड वेस्ट, जो फूड हमने वेस्ट कर दिया उस पर भी बहुत ज़्यादा बनते हैं और डस्ट वगैरह में भी होते हैं, ठीक है। अनट्रीटेड वाटर एंड सीवेज, यानी कि पानी को क्लियर नहीं किया गया, गंदा पड़ा हुआ है वहीं, उसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह बनता है। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, कितने किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं, एक है पैथोजेनिक जिसकी वजह से बीमार हो जाता है बंदा, ठीक है, स्पॉयलेज जो खाना को खराब करता है और आसानी से पता लगता है, जैसे कि आपको मैंने बता दिया वो अक्सर चीज़ें जो होती है, आप बेकरी की चीज़ें लेके आए तो थोड़ी देर बाद उल्ली लग जाती है, जैसे कि ब्रेड है, ब्रेड देख लें आप उसको उल्ली लग जाएगी, ठीक है, कोई फ्रूट भी होता है उसको भी उल्ली लग जाती है जल्दी, ठीक है। फंगस कहते हैं जिसको, वो आप कह लें। यूजफुल इन फूड प्रोडक्शन, ड्रग मैन्युफैक्चर एंड फूड डाइजेशन, कुछ जो बैक्टीरिया है वो यूजफुल भी होते हैं, वो किस में खाना बनाने में काम आते हैं और कोई दवाई वगैरह बनाने में, और ऐसी भी हैं जो कि खाने को हजम करने में वो आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये एक चेन है, इस तरह बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, टाइम के साथ खाने के अंदर जाता है, फिर मॉइस्चर बनता है, फिर उसको वार्म होता है, वो उसके लिए आइडियल हो जाता है। अब ये बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लाई कैसे होता है, जमा, अच्छा बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई होता है, ये ज़हन में रखिएगा, ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये नहीं है कि कुछ उसके अज्जा आपके जिस्म के अंदर गए हैं तो वो बस वो उतने ही हो गए, नहीं, ये मल्टीप्लाई होंगे इसके जो होंगे जो भी है। अब देखिए जरा, ये डिवाइड होते हैं जी इन एवरी 10 to 20 मिनट, यानी 10 से 20 मिनट बाद ये शुरू हो जाते हैं जी। अब 10 मिनट बाद 2 हो गए, 20 मिनट बाद 4 हो गए हैं आपके सामने, 30 मिनट बाद वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए हैं, 40 मिनट्स पर देख लें कितने हो गए हैं, अब तो काउंट भी नहीं हो रहे, 60 मिनट्स बाद कितने ये इसको मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक तो आप ये देख लें कि 1 मिलियन बन गए हैं, ओवर 1 मिलियन बन गए हैं 3.5 आवर्स, यानी कि 3.5 घंटे में 10 लाख ये बन चुके हैं, जो कि सिर्फ 2 थे 10 मिनट में, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होते हैं इस तरह, और ये खतरनाक होते हैं, ये तो डेथ हो जाती है, फेटेलिटी हो जाती है, बंदे मर जाते हैं इससे, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। डीलिंग विद डेंजर जोन, आपने कैसे डेंजर जोन के साथ डील करना है, अब डेंजर जोन बता रहे हैं कि जी 5 डिग्री से लेके 63 डिग्री सेल्सियस जो है ये डेंजर जोन है, इससे ऊपर भी ठीक है, इससे नीचे भी ठीक है, यानी फ्रोजन कर लें या ऊपर ले जाएं, यानी कि उसको आप कर लें, क्या नाम है इसका, इतनी हीट दे दें कि वो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा सिस्टम। तो ये आपका उन्होंने डेंजर जोन बता दिया कि 5 डिग्री से लेके 63 के दरमियान में जो है ना ये डेंजर जोन है, ये नुकसान पहुंचा सकता है। हाई रिस्क फूड कौन कौन से हैं, जो कि रेडी टू ईट है, यानी कि आप तैयार हुए हैं, खाना बन गया, सालन बन गया खाने के लिए, आपने खाना खाना शुरू कर देना है तो वो हो गया, या चाय बन गई है, ये खतरनाक होता है, ठीक है। ग्रोथ जो है बैक्टीरियाज की होती है, जैसे कोल्ड कुक्ड मीट,
ये ठंडा खाना जो है इसको आपने बनाया है जो कि फ्रिज में रखा था, क्रीम कोल्ड कुक्ड राइस भी है, यानी ठंडे चावल वगैरह अगर आपने खा लिए हैं, या क्रीम केक्स जो है, ये सुशी, ये भी एक डिश है। अगर ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि नुकसानदेह कर सकती हैं, ठीक हो गया। स्पोर्ट्स में देख सकते हैं बैक्टीरिया जो है, ये देखिए आपके सामने है किस तरह ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और स्पोर डेवेल्प प्रोटेक्टिव लेयर्स इज रिलीज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट डिस इंटीग्रेटेड सेल। स्पोर विल जर्मिनेट इन मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, जो स्पोर होता है वो फेवरेबल कंडीशन में बनता है। अब वो कहता है जी फूड पॉइजनिंग होती क्या है। फूड पॉइजनिंग जो है इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया मल्टीप्लाइंग ऑन फूड विच इज देन ईटन। फूड पॉइजनिंग वो होती है जिस जो कि बैक्टीरिया के साथ बनती है, जिसकी वजह बैक्टीरिया होती है और वो मल्टीप्लाई होती है खाने से। यानी वो खाया जैसे कि दो बनेंगे सेल, फिर उसके बाद ज़्यादा बढ़ते जाएंगे सेल, बढ़ते जाएंगे बैक्टीरिया के, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या फूड पॉइजनिंग इससे होती है। कॉमन सिम्टम्स बता रहा है जी क्या है जिसके, कॉमन सिम्टम्स जो है इसके फूड पॉइजनिंग के, पहला तो ये है कि ऑब्डोमिनल पेन, पेट की दर्द होती है, वॉमिटिंग उल्टी आना शुरू हो जाती है, डायरिया हो जाता है, फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, डायरिया हो जाता है, मोशन वगैरह लग जाते हैं, वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है और पेट में दर्द शुरू हो जाती है। ये क्या होता है, कुछ घंटों में स्टार्ट हो जाता है। और सोर्स वजह क्या बनती है, रॉ मीट जैसे पहले बताया गया, कच्चा गोश्त जो कह लिए, पोल्ट्री का, सीवरेज का सिस्टम, और इंसान खुद जो है इसके लिए, इंसेक्ट्स बनते हैं, कोल्ड कुकिंग राइस और मिट्टी। ये लोग जो है ना ये वल्नरेबल है, यानी कि हाई रिस्क पे है। कौन कौन है जी, बहुत ही यंग बच्चे, छोटे बच्चे, ये छोटे बच्चे अक्सर आपको इस बीमार हो जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं बीमार, उसको दूध दिया जाता है और दूध जो है इसी तरीके से गर्म नहीं होता, उसके अंदर बैक्टीरिया खत्म नहीं होते, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि वो उसको बर्तन को अच्छे से साफ नहीं किया होता, बच्चा बीमार हो जाता है, बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है पेट का, इन्फेक्शन का, ये वो फ्रॉम। और अच्छी बात ये होती है बच्चों में कि वो फौरन रिएक्ट हो जाता है, बच्चा ठीक भी हो जाता है, मतलब उसकी वजह से पता लग जाता है। एल्डरली जो होता है, जो ज़्यादा उम्र के हैं बहुत ज़्यादा, वो भी हो जाते हैं, किन लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है वो, और प्रेग्नेंट जो औरत होती है उसको भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ये लोग वो हैं जो हाई रिस्क पे हैं, ठीक है। तो आपने मकसद सारा का सारा यही है कि खाना आपने अच्छा बनाना है। ये लोग खतरे में चले जाएंगे, ये लोग खतरे में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपने खाना अच्छा बनाना है। फूड बोर्न डिजीज, इन फूड बोर्न डिजीज बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन द गट, वो कहते हैं जी मल्टीप्लाई होता है जी इस तरह के बैक्टीरिया, और जिसकी वजह से बीमारियां लग जाती हैं। अब उसकी वही फूड बोर्न की भी डिजीज की वही सिम्टम्स हैं, वही अलामत हैं, क्या है जी, बुखार हो जाता है, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और पेट में दर्द हो जाती है, और इसके साथ साथ टायर्डनेस हो जाती शुरू होती है, यानी कि थकावट महसूस होती है, और इंसान का जो है वो जवाब देना शुरू हो जाता है, ये कुछ घंटों में हो जाता है। और इसकी वजह क्या बनती है, वही राड रा और अंडर कुक, यानी कि कच्चा गोश्त कह लें आप, ठीक है, पोल्ट्री चीज़ें, आलूदा पानी, गंदा पानी, ठीक है, और बेकरी की जो डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी जो कि सही तरीके से बने नहीं है वो, ठीक है, और दूध कह सकते हैं इसमें। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, द लास्ट स्टेट्स दैट ऑल फूड बिजनेस मस्ट हैव फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोसीजर। अब जो कौमी सतह पे कानून बनाए हुए हैं ना उन्होंने फूड बिजनेस के लिए, जैसे हमारा भी फूड सेफ्टी का डिपार्टमेंट होता है जहाँ फूड इंस्पेक्टर जाके छापे मारता है और पैसे पकड़ लेता है उनसे, तो उसमें बता रहे थे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोसीजर को फॉलो करना है उन्होंने, ठीक है, उन्होंने फॉलो करवाना है। अब हमारे यहाँ होता क्या, बदकिस्मत ही है, आप कह सकते हैं आप, कि जो ईंटे होती है ना, ईंटे ईंटे को ईंटों को पीस के उसकी मिर्च में डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और उसकी वजह से जो तबाही मचती है वो तो मचती है। फिर हमारे जो इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर होते हैं, वो जाके विजिट करते हैं और वो उसको पता लग जाता है कि ये चीज़ सही नहीं है, तो वो फिर उनके साथ अपने हिसाब से जो भी प्यार मोहब्बत कर लेते हैं, डील कर लेते हैं।
दिस शुड बी, वो कहते हैं जी क्या होना चाहिए, बेस्ड ऑन अ सिस्टम कॉल्ड हैसप। हैसप क्या है? हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। आपने उसको इतना कंट्रोल करना है खाने को वो खाने के काबिल हो जाए, ठीक है, यानी उसकी खतरे को कंट्रोल करना, पुट इन प्लेस परमानेंटली, यानी उसको आपने लाजमी उसी को कंट्रोल में रखना है, व्यूड एज अ रिजल्ट ऑफ एनी चेंजेस टू प्रोडक्ट और प्रोसीजर। और आपने जो भी प्रोसीजर, जो भी चीजें चेंज हुई हैं उसको आपने रिव्यू करते रहना है और रिकॉर्ड को अप टू डेट रखना है। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट ये चीजें, हैजर्ड, हैजर्ड जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, हैजर्ड और रिस्क सेम सेम होते हैं लेकिन इनकी थोड़ी डेफिनेशन में फर्क होता है। वो कहते हैं हर वो चीज जो आपको नुकसान पहुंचा दे, एनीथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, हर वो चीज जो आपको नुकसान पहुंचा दे। अब आपके सामने नाइफ है, जैसे कि चाकू है या छुरी है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है, तो क्या वो हैजर्ड है? लेकिन जरूरत भी आपकी है तो फिर वो अगर हैजर्ड है तो इसलिए वो कहते हैं ना कि इसको जरा थोड़ी बच्चों की पहुंच से कम अज कम आप दूर रखें इस तरह की चीजों को, क्योंकि हैजर्ड है। रिस्क कब होता है? मेजर द लाइक्लीहुड दैट हैजर्ड विल एक्चुअली कॉज हार्म टुगेदर विद हाउ सीरियस द प्रॉब्लम कुड बी। अब वो चाकू जो है, जो छुरी जो है, जो हैजर्ड था, उसका जो इस्तेमाल है वो रिस्क कम, रिस्क को कैलकुलेट कर देगा या उसको तयन करेगा, यानी कि कितने परसेंट चांस है उसको मारने के और उस कितने परसेंट चांस उस बंदे के मरने के अगर वो छुरी चल जाए या चला दे, ठीक है। अब इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, शेर जो पिंजरे में बंद है ये हैजर्ड है, खतरा है, कुछ नहीं कह रहा आपको, आप जा रहे हैं, लाखों लोग गुजरते हैं, जू में जाते हैं, हेलो हाय करते हैं, टाटा बाय बाय, दूर दूर से चले जाते हैं, लेकिन अगर वो पिंजरा खुल जाए या पिंजरा खोल दे या बंदा अंदर चला जाए किसी तरीके से, तो फिर वो क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। अब उसके उसके चांस कितने हैं शेर के हमला करने के, लाइकलीहुड कितना, चांस कितने हैं, और उसकी सवेरिटी क्या होगी, यानी उसकी शिद्दत क्या होगी, क्या वो उसको मार देगा जान से या क्या उसको जख्मी कर देगा, क्या कम अज कम हॉस्पिटलाइज तो कर ही देगा ना, तो ये चीज होती है रिस्क कंट्रोल में। ये वो चीजें होती हैं जो कि प्रिकॉशन लगाते हैं, एहतियाती तदाबीर कर लगाते हैं इसको खत्म करने, जैसे कि अगर शेर पिंजरे में बंद है तो कंट्रोल में ये क्या हो गया, पिंजरा हो गया, पिंजरा बंद कर दिया, ठीक है। नाइफ जो है वो ऊपर रखी हुई है तो ये क्या हो गया, कंट्रोल में ये हो गया, किसी की पहुंच में नहीं है, ये सिर्फ उसकी पहुंच में है जो इसका जिम्मेदार है, जो उससे काम करता है, ठीक है। और क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या होगा, अ स्टेप इन प्रोसेस वेयर हैजर्ड कैन बी कंट्रोल, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिस पे हैजर्ड, यानी कि वो खतरा जो कंट्रोल में आ जाता है और उसकी वजह से आप जो हमारा खाना है वो सेफ हो जाता है, स्टेप की बात कर रहा है उसमें, ठीक है। हैसप के प्रिंसिपल कानून कौन कौन से, कंडक्ट अ हैजर्ड एनालिसिस, पहले तो आपने उस खतरे का तयन करना है या उसको एनालिसिस करना है या उसको जमा तफरीक कैलकुलेट करना है, अंदाजा लगाना है कि कितना कहीं खतरनाक हो सकता है, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स और उसको फिर आपने देखना है कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है इसका जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर सेट क्रिटिकल लिमिट फॉर ईच सीसीपी, यानी आपने वो क्रिटिकल लिमिट जो है वो उसको सेट करना है हर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के लिए, ठीक है। सेटअप चेक्स फॉर ईच सीसीपी, फिर आपने चेक्स लगाने हैं हर सीसीपी पे, फिर उसको आपने लगाने के बाद फिर उसको आपने करेक्ट करना है, उसको एक्शन करेक्टिव एक्शन, यानी कि उसको आपने ठीक करना। अगर आपको नजर आता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे बर्तन वगैरह आपने देखे हैं वो गंदे हैं, तो आपने उसको एनालिसिस कर देगा ये गंदगी हो सकती है, फिर आपने उसको देखा कितना के ये इसको हम किस तरह करें साफ तो ठीक है, फिर उसकी लिमिट वगैरह सेट कर देनी, फिर उसको आपने धो देना या करेक्ट कर देना, फिर उसको वेरीफाई करना है, फिर उसको रिकॉर्ड कीपिंग के लिए रखना है, ठीक हो गया। अब ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, कानूनी जो है इसकी क्या क्या इसकी जिम्मेदारियां हैं फूड बिजनेस ऑपरेटर की, कि पहले तो आपने रजिस्टर्ड होना है लोकल अथॉरिटी से, ठीक है। अगर फूड कोई सेफ्टी का आपका डिपार्टमेंट है या फूड इंस्पेक्शन का कोई है उसके साथ आपको होना पड़ेगा, फिर कीप फूड सेफ्टी रिकॉर्ड, फिर आपने जो जो आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं सफाई सुथराई का ख्याल रख रहे हैं, आपने आपके बंदे जो सर्टिफाइड हैं, आपके बंदे ट्रेंड हैं, आपके बंदे साफ सुथरे हैं, जो भी साफ ताब है जो आप लगा रहे हैं कंट्रोल में, ये वो आपने उसका रिकॉर्ड रखना है। फिर प्रोवाइड फूड हैंडल विद अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, वही बताया ट्रेनिंग वगैरह दें अपने
शेफ को, वेटर्स को, कंप्लाई विद टेम्परेचर कंट्रोल, आपने कानून के मुताबिक टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, जो सेफ टेम्परेचर है उसको करना। अच्छा, किचन में बहुत गर्मी होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एसी भी लगाते हैं लोग, ताकि जो आपका शेफ है उसको गर्मी ना लगे इस तरीके से, कहीं ये ना ना हो उसकी उसी का जो है वो ही वेट होता जा रहा है और उसका पसीना जो है खाने में जा रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो डू नॉट सप्लाई फूड हार्मफुल टू हेल्थ, और अगर आपको पता लग गया ये हार्मफुल है तो उसको बिल्कुल गार्बेज कर दें, उसको बिल्कुल ना आगे भेजें। इन्फोर्सिंग द लॉ, कौन कौन से लॉ है, फूड स्टैंडर्ड एजेंसी, FSA के नाम से एक फूड सेफ्टी एजेंसी है, वो उस पर काम करती है, रिकमेंडेशंस देती है आपको बहुत ज़्यादा, उस पर आप अमल कर सकते हैं, और आपको इन्फोर्स करती है, आपको मजबूर करती है कि आप कानून की पासदारी करें। ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज हैं, ये आपको चाहती हैं कि आप इस पर करें। टाइप्स ऑफ नोटिस, किस तरह के इम्प्रूवमेंट नोटिस हैं, आपको कह देंगे यार आप सफाई सुथराई का ख्याल रखें, हाइजीन, प्रोबिशन नोटिस हो सकता है कि आपको मना कर देंगे अभी फिलहाल काम ना करें, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या आपको रोक देंगे काम करने से, और आपको हाइजीन इमरजेंसी प्रोबिशन ऑर्डर, यानी कि आपको मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे, ठीक है, वो उस पर आपको वक्त तौर पे बंद करेंगे प्रोबिशन नोटिस पे, और इसके ऑर्डर पे आपको मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे। सीरियस ब्रीच क्या हो सकती है, मैक्सिमम ब्रीच क्या हो सकती है, 2 साल की सेंटेंस भी हो सकती है, यानी कि जेल हो सकती है, और आपको फाइन भी हो सकता है। व्हाट्स योर डिफेंस, डिफेंस क्या आप उसके बचाव के लिए कर क्या सकते हैं, ठीक है, ड्यू डिलीजेंस, उसमें क्या होगा कि आप कोशिश करेंगे कि वो कानून को इस्तेमाल करें ताकि आपके खिलाफ कोई इलीगल एक्शन ना हो, ठीक है। किस तरह कर सकते हैं कि आप इतनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, इतना उसको फॉलो करें कि वो जो आपका काम भी चलता रहे और आप उसको बच भी जाएं कानून से, ठीक है। अब वो कहते हैं सिस्टम को किस तरह बचा जा सकता है, रीजनेबल प्रिकॉशंस टू टेक, क्या क्या कर सकते हैं आप उस कंट्रोल को मिनिमाइज, यानी जितने रिस्क है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें, ट्रेनिंग दें, इम्प्लीमेंटेशन करें क्लीनिंग शेड्यूल की, पर्सनल हाइजीन, लोगों की हाइजीन, लोगों का सफाई सुथरे का ख्याल रखें, इंस्पेक्शन करें बार बार, पेस्ट कंट्रोल करें, यानी कि पेस्ट कंट्रोल जो है इसके आप कह सकते हैं कि कॉकरोचेस जो है, माउस, इस तरह की चीज़ें जो है इनको आप कंट्रोल करें, इनको ख़त्म करें वहाँ से, कीड़े मकोड़े जो है ख़त्म करें, रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड रखें इस चीज़ों का, रिटर्न रिकॉर्ड्स, रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए आपके, वर्बली नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि हमने 2 दिन पहले सफाई की थी, या इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अपने आप को साफ रखें, ठीक है, और लोगों की सफाई का ख्याल रखें, फॉलो सेफ सिस्टम प्रोवाइडर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, पीपीई, पीपीई इसमें क्या हो गए, ग्लव्स हो सकते हैं, ये कैप हो सकती है जो होती है, मसला रिपोर्ट इफ़ यू हैव स्पेसिफिक, अगर आप खुद बीमार हैं किसी किस्म की, किसी वजह से प्रॉब्लम है आपको, या आपको फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं, तो लाजमी अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करें आप। क्रॉस कंटामिनेशन अकर्स वन बैक्टीरिया आर मूव फ्रॉम वन, वो क्या होता है जी, एक जगह से अगर बैक्टीरिया दूसरी जगह पर चला गया और दूसरे खाने को भी आलूदा कर दिया, खराब कर दिया, तो क्या होगा, वो क्रॉस कंटामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। कॉमन कॉसेस क्या होती है, क्या वजह होती है, यूजिंग द सेम यूटेंसिल्स ऑफ आर रॉ एंड रेडी टू फूड ईटिंग फूड, लिविंग फूड अनकवर, वो होता क्या, तो आपने खाना अनकवर छोड़ दिया, या आपने बर्तन जो है जो आपने रॉ मटेरियल यानी कच्चों कच्चे जो गोश्त के साथ यूज़ किए थे वही, या सब्जी के साथ यूज़ किए थे वही आपने खाने के लिए इस्तेमाल कर दिया, तो ये मसला हो सकता है। स्टोरिंग रॉ एंड रेडी टू फूड टुगेदर, अब अपने फ्रिज में क्या किया है, वहीं अपने सब्जियां रख दी है, वही कच्चा गोश्त रख दिया, वही पका हुआ खाना रख दिया, तो ये भी मसला बन जाएगा। हैंडलिंग रॉ एंड देन रेडी टू ईट फूड विदाउट वॉशिंग, अगर आपने खाने उसी को बिल्कुल खाना पका रहे हैं, उसको साफ नहीं किया अपने हाथों को और इक्विपमेंट्स को, तो फिर भी मसला बन जाएगा, ठीक है। अब हाथ आपने कैसे साफ करने, वो कहता है जी आपने हाथ पहले साफ करने हैं, ऑल फूड हैंडल शुड वॉश देयर हैंड, कब करने, काम स्टार्ट होने से पहले, बिफोर हैंडलिंग कुक्ड फूड तब भी करने हैं, ब्रेक लेनी है तब भी करने हैं, टॉयलेट जाना है तब भी आपने हाथ साफ करके आना है, अगर आपने कच्ची सब्जियों से या उसको टच किया है क्या नाम है इसका गोश्त को, तब भी आपने करने हैं हाथ धोने हैं, अगर आपने वेस्टेज को आपने किया तब भी आपने करना है, अगर कोई केमिकल को हाथ लगा दिया तब भी आपने करना है, अगर वो क्लीनिंग की है बर्तन वगैरह धोए हैं फिर भी आपने हाथ साफ करने हैं, अगर आपने अपने चेहरे को, अपने बालों को, या कहीं भी आपने हाथ लगाया जिस्म के हिस्से को, तो आपने तब भी अपने
अपने हाथ साफ करने हैं धोने, और अगर स्मोकिंग की है तब भी अपने हाथ। ये तरीका है जिसका हाथ साफ करने का। पहले आप देख सकते हैं पिक्चर, पहले आप हथेलियों को आगे ऊपर से आगे से पीछे से करेंगे, फिर आप उंगलियों के दरमियान में भी करेंगे, ठीक है, दोनों सीधा करके भी उल्टा करके भी, ठीक, ये हाथ साफ करने का सही तरीका है। फिर आप मुट्ठी इसको बंद करके फिर कर सकते हैं, फिर हम गुठों को इससे साफ करें। चलिए आप देख सकते हैं, अगर आप इस पर अमल कर लेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि आप की फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो बीमार हो जाए, ठीक है। डेडिकेटेड हैंड वॉश फैसिलिटीज, एंटी बैक्टीरियल सूप इस्तेमाल करें, सोप इस्तेमाल करें, ठीक है, या हॉट वाटर, दोनों चीजें इस्तेमाल करेंगे, एंटी बैक्टीरियल सोप और हॉट वाटर, तो आपके फायदा आपके लिए हो जाएगा। वो कहता है आप अगर आपने टॉवल यूज करना है तो अपना अपना करना, आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना, ये नहीं वो एक आप भी दूसरे कर रहे हैं दूसरा भी दूसरे कर रहे हैं। कट्स एंड वाउंड्स, यानी कि जो इंजरी वगैरह हुई है, जो आपको कट लगे हैं, उसको क्या करना है, आपने टोटली कवर करना है उसको, ठीक है, और प्रूफ देना है आपने किससे, ब्लू कलर से, या कोई भी कलर दे सकते हैं जो कि नजर आ जाए, पता लग जाएगा इसको कट लगे हुए। वट इफ यू आर इल, अगर आप बीमार तो क्या होगा, कंडीशन टू रिपोर्ट, किस कंडीशन में आपने अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करनी है। अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपको जुकाम हुआ, डायरिया हो गया, स्टमक पेन है, आपको रैशेज हुए हुए हैं, खारिश वगैरह हुई है, स्किन एलर्जी हो चुकी है, आपकी स्किन को कोई जख्म हुआ हुआ है, अपनी फैमिली का कोई मेम्बर बीमार आपका, तो आप फौरन इनको बताएं। और कोई ऐसी चीज़ें जो आपको महसूस हो रही है तो आप अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर दें कि ये नॉर्मल नहीं है, ताकि वो आपको उसके मुताबिक डिसीजन ले लें। प्रिवेंटिव या प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग कौन कौन से होते हैं जी, प्रोटेक्टिव क्लॉथ शुड प्रेफर बी क्लीन, साफ सुथरे होने चाहिए, लाइट कलर होने चाहिए, लाइट कलर इसलिए होने चाहिए कि कुछ चीज़ वगैरह लग भी जाए, इवन कि कोई पेस्ट भी लग जाता है तो नज़र आ जाता है कि यार ये वाइट कलर पर कोई चीज़ चढ़ रही है, ठीक है। और नो एक्सटर्नल पॉकेट्स, पॉकेट्स ज़्यादा ना हो उसके अंदर, ठीक है, उनके एक्सटर्नल हो ना ही हो तो बेहतर है, ठीक है। अब वो कहता है जैकेट एंड ट्राउजर, जैकेट अलग होनी चाहिए, ट्राउजर अलग होने चाहिए, ओवरऑल एंड एप्रंस होने चाहिए, हेयर नेट्स एंड हैट होने चाहिए, ग्लव्स एंड कफ्स होने चाहिए, सेफ्टी फुटवियर होनी चाहिए। ये प्रॉपर तरीके का बताया हुआ है, इस तरह के भजन जैसे बनाए हुए इन्होंने, इसी तरह कैप वगैरह पहन ले, कवरऑल वगैरह ये जो भी है पहना हुआ उन्होंने, जैकेट एंड ट्राउजर वगैरह ये सही है। हेड कवर, हेड को कवर करना, आपने ये कंघे नहीं बार बार उधर खाना बना रहे हैं वहीं कंघी आप करी जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, बाल वगैरह टूट के गिर सकते हैं या और भी मसले बन सकते हैं। ज्वेलरी वगैरह जो है वो लाजमी आपने उतारनी है, लाजमी उतारनी है, कोई ऐसा ना हो कि अंगूठी या कोई चीज़ ऐसी आपके वहाँ गिर सकते हैं उसके अंदर खाने के अंदर, जो कि आलूदा बना सकते हैं। पर्सनल हाइजीन, अपनी सफाई सुथराई कैसे करनी है, जो करना है जो नहीं करना, डू करना है, डोंट नहीं करना, क्या करना है आपने, आपने अगर आपने खाने को टेस्ट करना है तो स्पून जो है वो क्लीन होनी चाहिए हमेशा, डिस्पोजेबल टिश्यू इस्तेमाल करना है आपने, उसको टिश्यू को इस्तेमाल करें फेंक दें। आपने अपने बालों को कवर करना है, अपना जो भी अगर कोई जख्म वगैरह है उसको अच्छे तरीके से ड्रेसिंग करनी, कवर करना है। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम, जैसे पहले हमने कहा कि अगर खांसी आ रही है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हुई है, कोई थ्रोट वगैरह है, तो इसको आपने या आपको फूड पॉइजनिंग की शिकायत है तो आप अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर दें फौरन। क्या नहीं करना आपने, हमारे यहाँ क्या होता है कि जो हमारी लेडीज होती हैं खाना घर के खाना पकाने वाली, अब होटलों का तो मैं नहीं कह सकता कुछ भी, लेकिन फैमिली का मैं कुछ लाजमी बता सकता हूँ जो कोई होता है घरों में, कि खाना पकाया साथ ही वो उंगली लगा के चाटना शुरू कर दिए, देखना शुरू कर दिए कि इसमें नमक मिर्च कितना है, ये वो, ये नहीं करना आपको। साथ साथ आप अपने नाक को टच कर रहे हैं, आप बालों को टच कर रहे हैं, कंघियां कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, स्पिट वगैरह थूक वगैरह उधर ही रहे हैं, ये काम नहीं करना, ठीक है। और खाना जहां पक रहा है या खाना बन रहा है वहां आपने खाना खुद नहीं शुरू कर देना, ठीक है, ज्वेलरी वगैरह नहीं पहननी, पहननी नेल पॉलिश का इस्तेमाल ना करें वहाँ, ठीक है, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग वगैरह जो है वो वहाँ चेंज नहीं करना आप। व्हाई वी क्लीन, हमें क्यों क्लीन करने की जरूरत है, रिमूव सूटेबल ग्रोइंग कंडीशन फॉर बैक्टीरिया, हमने बैक्टीरिया को वहाँ से रिमूव करना है और उसको बढ़ने नहीं देना।
हमने इस लेवल पे ले जाना है कि बैक्टीरिया जो है वो कम से कम हो जाए, सेफ लेवल पे चला जाए। हमने वहाँ फूड पेस्ट जो कि कॉकरोचेस वगैरह हैं, जो क्या नाम इसका इंसेक्ट्स हैं, उनसे बचना है, ठीक है। और हमने खाना जो है वो क्लीन एनवायरनमेंट में देना है, साफ सुथराई में देना है, सेफ देना है, और हमने सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट रखना है। प्रेजेंट अ गुड इमेज टू कस्टमर, कस्टमर को बड़े अच्छी तरीके से अच्छा इमेज देना है, और लीगल और मॉरल ड्यूटी करनी है। वाई वेंट टू क्लीन कब करना है, बेस्ट प्रैक्टिस कब है, क्लीन एज यू गो, जल्द से जल्द क्लीन करना है अपने। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, यही प्रैक्टिस है, कब करना है, कोशिश करें जल्द से जल्द कर दें, ठीक है, खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के फौरन बाद भी करना आपने। और अगर आपने कोई चीज़ वगैरह वहाँ छोड़ दी है तो उसको भी वहाँ से क्लीन करें, ठीक है। और हर चीज़ जो है उसको डस्टबिन में करें, डस्टबिन को भी लाजमी क्लीन करना है आप आफ्टर गार्बेज, या उसको जब उसको आप डिस्पोज कर दें। स्पेशलिस्ट क्लीनर क्लीनिंग एज रिक्वायर्ड, स्पेशलिस्ट इसलिए स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, क्लीनर स्पेशलिस्ट होना चाहिए, जिसका काम सिर्फ क्लीनिंग का होना चाहिए। क्लीनिंग शेड्यूल, कब क्लीनिंग हो रही है, कितनी फ्रिक्वेंटली में है, डेली में कितनी मरतबा होती है, और कौन इसको कर रहा है क्लीन को, कौन से केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज़ें सारी की सारी शेड्यूल में होनी चाहिए और ये लिखनी चाहिए, रिकॉर्ड रखनी रखनी चाहिए। पीपीए क्या पहना हुआ है उसने, क्यों कैसे प्रिकॉशंस फॉलो किए हुए हैं, और कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको क्रॉस चेक करने का, ठीक है। डिटर्जेंट एंड वाटर का इस्तेमाल करें आप, ठीक है, और डिसइनफेक्ट, डिसइनफेक्टेड रिड्यूस बैक्टीरिया टू सेफ लेवल, वो डिसइनफेक्शन सैनिटाइजर यूज़ करें। और डिसइनफेक्शन में भी वो कहते हैं बैक्टीरिया को इतने हर के वो सेफ लेवल पे ले जाएं, या स्टीम वाटर कर दें उसको 82+ पे कर दें, 82 पे भी बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। केमिकल वगैरह यूज़ कर लें उसको, अगर कर सकते हैं तो ग्रीस डस्ट के लिए। और इसके अलावा जो भी आपकी सर्विसेज हैं उसको भी आपने इस तरह डिसइनफेक्शन करना है। सैनिटाइजर भी इसी तरह के डिटर्जेंट और डिसइनफेक्ट का कम्बिनेशन होता है, तो सैनिटाइजर्स वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि क्लीन करते हैं और डिसइनफेक्ट करते हैं। क्लीनिंग केमिकल्स में क्या करना है जी, पुट अवे। हाँ, अगर केमिकल वगैरह यूज़ करने हैं तो फिर आपने खाना वगैरह जहाँ बन रहा होता है वहाँ से दूर रखना है इसको, और इसको आपने केमिकल वगैरह को फूड से दूर रखना है। फिर आपने उसी केमिकल जो इस्तेमाल करेंगे वो लेबल होना चाहिए। जैसे मैंने को पहले एग्जांपल दी थी कि वो लड्डू में उन्होंने क्या डाल दिया था, केमिकल डाल दिया जिसकी वजह से 22 लोगों की मौत वाकई हो गई थी, तो वो नहीं काम करना। मैन्युफैक्चरर जो बताते हैं, जिस तरह इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके ऊपर अमल करना है। पीपीईज को पहनना है, ठीक है, मिक्स केमिकल को मिक्स नहीं करना, और वर्क फ्रॉम क्लीन टू डर्टी एरियाज टू प्रिवेंट स्प्रेड डेट। और क्लीनर को कहना है कि ये जो डर्टी एरिया है इसको मजीद गंदगी से बचाना है, मुझे फैलने से बचाना है। क्लॉथ कैन बी कॉमन व्हीकल ऑफ क्रॉस कर, क्लॉथ्स भी जो है, अगर आप गंदे कपड़े पहन लिए हैं और आप उसको उधर पहन के उधर आ गए हैं तो ये भी एक किस्म का आपके लिए नुकसान बन सकता है खाना बनाने में। टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को आपने स्प्रेड नहीं होने देना। डिस्पोजेबल चीज़ इस्तेमाल करें, वॉश करें उसको, डिसइनफेक्ट करें, वाइप करें, यानी उसको क्लीन कर दें बिल्कुल मुकम्मल तौर पे, ठीक है, ताकि वो मॉप्स जो है आपके सामने ये जो सफाई करने वाला जो होता है झाड़ू टाइप, उसको आपने क्लीन करना है, डिसइंफेक्शन करने के, वो बार बार यूज़ होता है, तो अच्छे तरीके से धो लें आप, ट्राई कर लें, ठीक है। जो हैंड कॉन्टेक्ट सर्विस है इसको भी साफ करें अच्छे तरीके से, हैंडल्स हो गए, स्विचेज हो गए, टेप्स हो गए, और सर्विस वर्क सर्विस क्रॉकरी जो होगी इसको भी आपने अच्छे तरीके, चॉपिंग बोर्ड हो गया इसको अच्छे तरीके से साफ कर लीजिएगा। क्लॉथ्स, क्लीनिंग इक्विपमेंट्स, पिंस वगैरह ये भी साफ करने हैं आपने। प्री क्लीन, वॉश ड्राइंस, डिसइनफेक्ट, फाइनल राइट्स ड्राई, पहले आपने प्ली साफ करना, फिर वॉश करें अच्छे तरीके से, ठीक है, फिर इसको साफ साफ करें ताकि इसको ड्राई कर लें। फिर रबिश वगैरह जो भी है आपके, जो भी इसको इकट्ठा नहीं करना सबको, ठीक है, अलग अलग शॉपर्स में डालना है। फिर उसको जो है कंटेनर है उसके बिल्कुल पास लेके चले जाएं, ठीक है, और क्लीन वगैरह करें इसको, रेगुलर मूव करें इसको, ताकि और उसको उसको इतना क्लोज उसको मतलब उसको कर दें क्लोज, ताकि कोई पेस्ट ना वहाँ पहुँच गए, ना वो कोई वहाँ जो कॉकरोच वगैरह वहाँ पहुँच जाए। जो ऑल बिन्स जो है, डस्टबिन्स वगैरह है, उसको फिटेड विद लीस्ट सूटेबल, वो उसके ढक्कन लाजमी होना चाहिए, और ढक्कन पे जो है आपने वो लाइन वगैरह लाजमी लगानी है, ठीक है, उसको एम्प्टी डेली करते जाना, ये नहीं कि 10-12 दिन का सामान उधर ही पड़ा हुआ, और वो विंडो और डोर से दूर रखना है इसको, ठीक है, लाजमी इसको क्लीन और डिसइनफेक्ट करना है, और उसे बचाना है कि खाने के लिए।
ये आपके सामने इक्विपमेंट्स और प्रमिसेस हैं, इसको आपने अच्छी तरीके से साफ करना है, जैसे वॉश बेसन है इसको भी, सिंक्स को करना है, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो भी ठीक, लाइटिंग वगैरह वेंटिलेशन का ख्याल रखना है आपने, ठीक है, स्टोरेज को नहीं करना उसका। ये आपके सामने एक बड़ी क्लीन जगह की पिक्चर दिखाई गई है, सर्विस को अच्छी तरीके से क्लीन करें, इक्विपमेंट को क्लीन करें, लेआउट को क्लीन करें, ठीक है, और टू हेल्प विद क्लीनिंग सर्विस शुड बी स्मूथ होना चाहिए, ऑब्जर्वेंट नहीं होना चाहिए, आसानी से क्लीन हो जाए, हार्ड वेयरिंग होना चाहिए, गुड कंडीशन। कलर कोडिंग लाजमी इस्तेमाल करनी है कि मुख्तलिफ कलर्स की मुख्तलिफ नाइफ्स वगैरह या जो इसके जो होते हैं इक्विपमेंट वगैरह वो इस्तेमाल करने, जैसे कि रेड मीट, रेड जो है वो रॉ मीट का है, येलो है कुक्ड मीट का है, ये मिक्सअप नहीं करना इनको, ठीक है, ये ग्रीन का है, ब्राउन वगैरह ये आपके सामने है। ये डिलीवरी करनी है, इस तरह की डिलीवरी करें आप, ठीक है, डिलीवरी एरिया पे जाएं, फिर स्टोरेज स्टोर करें उसको, फिर उसको फूड प्रिपरेशन के लिए भेजें, फिर सर्विस करें, इसी तरह वो सारा उसको आप सर्कल को चला सकते हैं। पेस्ट कैर क्या, पेस्ट क्या करते हैं, खाने को आलूदा करते हैं, बैक्टीरिया फैलाते हैं, ठीक है, फिजिकली क्या करते हैं, ड्रॉपिंग्स वगैरह, ये शिट वगैरह उसकी होती है, फर, यूरिन, डेड बॉडीज, फर जो उसके पंख वगैरह होते हैं, यूरिन वगैरह होता है, डेड बॉडीज उसकी पड़ी होती है, पता लग जाता है कि यार ये है डैमेज स्टॉक, रेपुटेशन ख़राब होती है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है इसके खिलाफ। ये आपके सामने फूड पेस्ट हैं, रैट्स हैं, माइस है, चूहे वगैरह, मक्खियाँ, परिंदे, कॉकरोचेस, चींटियाँ वगैरह, ये चीज़ें होती हैं। और इसके क्या होते हैं एविडेंस के ड्रॉपिंग में बताया कि वो उसकी शिट वगैरह पड़ी होती है, ये डैमेज किया होता है उन्होंने, अलग फूड पैकिंग को उन्होंने किया होता है, स्मेल आती है, ठीक है, ये चीज़ें उनकी हो सकती हैं। बच्चा कैसे चाहता है कि इसका ढकना अच्छे तरीके से करें, ठीक है, उसको रिमूव कर दें फौरन वहाँ से, टेप करें उसको, ठीक है, और उसको फूड स्पिल को करें, ये फ्लाई स्क्रीन लगा सकते हैं, डस्टबिन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट जो है इसका वो लगा सकते हैं। ये डेंजर जोन है जी, 63 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ये बिल्कुल डेंजर जोन है, ऊपर और नीचे जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये वही बताया जा रहा है इसके बार बार कि डेंजर जोन है, 75 जो है वो ठीक है। अब ये भैया ने रिकॉर्डिंग टेम्परेचर हाउस रूल्स फॉर फॉलो टेम्परेचर वगैरह इसको देखना है इसका, ठीक है, और डील करना है। आप थर्मामीटर वगैरह ले सकते हैं, इससे पता लग सकता है आपको कि क्या इसका जा रही है, थिकनेस कितनी जा रही है, ये प्रॉप थर्मामीटर होता है इसका। ये आपके पास कूलिंग फूड का जो है, कम से कम उसको 2 घंटे के लिए कूलिंग करें ताकि वो किसी किस्म का कोई उसका ना रह जाए 2 घंटे के लिए। थाइंग फूड कौन सा होता है, जो पिघलाने वाला होता है, इसमें क्रॉस कंटामिनेशन से बच सकते हैं, इसके छोटे पीसेज वगैरह होते हैं, ठीक है, और उसको कवर करना है कूल रूम में, ये आपने जेब में रखना है, डिफ्रोस्टिंग करें इसको, क्लीन करें इसको, ये चीज़ें हो सकती है। फ्रीज़र के लिए जो बता रहे हैं कि -18 डिग्री में आप फ्रीज कर सकते हैं इसको, ठीक है, और रेगुलर चेक कर सकते हैं, लेबल करें इसको, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट रूल है करना है। रेफ्रिजरेशन में ये बता रहा है कि जो अच्छे तरीके से डिफ्रोस्ट करें और रेगुलर क्लीन करें इसको, हैंडल वगैरह को साफ करें अच्छे तरीके से, ठीक है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट रूल जो है ये लाजमी इस पर अप्लाई करें। ओवरलोड ना करें रेफ्रिजरेटर को, ठीक है, ज़्यादा गर्म खाना ना रखें रेफ्रिजरेटर में, ये वही चीज़ें बता रहे हैं, बार बार 63 से अबव होना चाहिए और 5 डिग्री से नीचे होना चाहिए। इस तरह डिस्प्ले आपके सामने जिस तरह ये खाने को नजर आना चाहिए, पूरा क्लीन होना चाहिए, और ये रिकमेंडेशन दी हुई सेफ टेम्परेचर की, वही चीज़ें जो पहले हमने रिकॉर्ड की हैं, देखी हैं, वही चीज़ें बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये आप इसको देख सकते हैं डिटेल में, ठीक हो गया। ड्राई स्टोरेज में रख सकते हैं आप इसको, ठीक है, ड्राई फूड जो है वो जहाँ रखेंगे आप उसको वो साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, ड्राई होना चाहिए और वेंटिलेशन लाजमी होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। फूड जो है वो आपने स्टोर करना है फ्लोर पे रखें या उसके ऊपर रखें, ठीक है, स्टोर करें इसको, शेल्फ बना दें उसके लिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का उसका फार्मूला इस्तेमाल करें। प्रिजर्वेशन कैसे करनी है आपने, उसको उसको महफूज कैसे करना है, कैनिंग सिस्टम करें, कैन में डाल दें उसको,
ठीक है, डिहाइड्रेशन यानी कुछ पानी वगैरह डाल दें, आप पेस्चराइज कर दें, पिकलिंग, पिकलिंग मतलब कि उसके अंदर अचार वगैरह डाल दें या नमक डाल दें, स्टरलाइज कर दें, शुगर वगैरह कर दें, डाल दें उसके अंदर, या अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट दे दें उसको, वैक्यूम पैकिंग, जैसे वैक्यूम पैकिंग ये है कि हवा ना उसको जाए, आप कर सकते हैं। स्टोरेज के लिए उसने बताया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहली चीज आएगी उसी वो पहले बनेगी और उसको पहले डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि जो चीज बाद में आई उसको पहले बनाना शुरू कर दे, वो पहले पड़ी हो उसकी डेट एक्सपायर हो गई, ये नहीं होना चाहिए। बेस्ट बिफोर डेट यानी फूड विल बी एट द प्रीमियम क्वालिटी इफ स्टोर्ड करेक्टली अंटिल दैट डेट, फूड जो है वो उसको अच्छे तरीके से उसकी क्वालिटी का आप रख सकते हैं बेहतरीन, अगर उसको अच्छे तरीके से स्टोर करेंगे। फूड मस्ट बी यूज बाय दैट डे, उस जो डेट मेंशन की है उससे पहले पहले आपने उसको करना है, ठीक है। डिलीवरी, डिलीवरी करने से पहले आप चेक करें, क्वालिटी देखें, डैमेज देखें, कोई डैमेज तो नहीं हुआ हुआ, कोई फूड वगैरह तो नहीं उसके स्पॉइलेज ख़राब हुआ हुआ है, आलूदगी तो कोई नहीं इसके अंदर है, कोई डेट के अंदर ही कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें उसके अंदर आपने रिजेक्ट एनी फूड इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद एंड रिटर्न इट टू सप्लायर, अगर आप समझते हैं कि ये फूड ठीक नहीं है तो उसको आप फौरन वापस कर दें, उसको रिजेक्ट कर दें। कंट्रोल थ्रू रिसेप्ट, आपने रिसेप्शन के थ्रू करनी चाहिए, उसका एक वो है चेकलिस्ट है, इसके ज़रिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फूड स्पॉयलेज क्या चीज़ होती है, उसकी वजह से वो फूड जो स्पॉयल्ड होता है, ख़राब हो जाता है, वो अनफिट होता है, यानी चीज़ सही नहीं होता ह्यूमन के लिए खाने के लिए, ठीक है, जिसमें माइक्रोबियल एंजाइम एक्टिविटी होती है, केमिकल कंटेमिनेशन हो सकती है और फिजिकल कंटेमिनेशन हो सकती है, जिसकी वजह से वो। हमारा ये आज का लेक्चर ख़त्म हो गया, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये मैं लिखी कि दो चार चीज़ें जो आपको इसके अंदर ये है कि खाना जो है वो आलूदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, किस वजह से होती है, वायरस बैक्टीरिया की वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से खाना ख़राब। तो आपको उसने करना क्या है, आपने सेफ्टी का ख्याल रखना है, सफाई का ख्याल रखना है, ताकि फूड जो है वो खाने के काबिल रह जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।